मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्बापिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज के अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान समीर कपूर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों से कहा कि संतों की शरण से जगत भी सुधरता है और अगत भी। तन और मन की पवित्रता से जगत सुखी बनेगा। उन्होंने कहा कि तन सुखी रहता है पवित्र अन्न से, यानी ऐसा अन्न जो अपने हक हलाल की कमाई से कमाया हो। पवित्र अन्न ही मन को पवित्र रखता है, जिसका जगत सुखी हो जाता है उसका अगत स्वतः ही बन जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस परमात्मा को आप बहुत दूर मानते हो वो तो आपके अपने अंतर में है। तो वहीं इस अवसर पर रोहित भाटिया, गौरव कोहली, राजेंद्र कत्याल, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्ढा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव शर्मा, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह साबी, लकी, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगलामुखी जी। आज मां बगलामुखी दरबार से जिहड़ा श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिहड़ा कि हर वीरवार को किया जाता है, अज भी जेठे वीरवार होने करके बहुत श्रद्धालुओं के विच जिहड़ा उन्हां दा भाव सी वह बहुत भाव विभोर हो के हवन यज्ञ समय तो पहला शामिल होए है और हवन यज्ञ आहुतियां डालियां। बहुत ही दूर दूर तो श्रद्धालुगण आए महामाई के दरबार से आके नतमस्तक होए हवन यज्ञ आहुतियां डालियां। यही मैं अरदास बेनती माँ के चरणों बारंबार करदा कि हे माँ, जिस अरदास बेनती नाल तुहाडे दरबार से तुहाडे भगत आन उन्हां दीआं झोलियां खुशियां दे नाल भरो और चराचर जगत दे विच जिहड़ी भी कोई भी ये अशांति फैली हुई है वो समाप्ति करो। विशेष रूप से मैं सारे जिन्हें भी वैब पोर्टल है और जिन्हें भी न्यूज़पेपर है जिहड़ा संचार धर्म का लगातार कर रहे हैं उन्होंने परिवार लिए और उन्होंने लगातार असी करवद माँ के चरणों प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तुहाडे दरबार से आके जिहड़ियां ये कवरेज देंदे है धर्म का संचार करते हैं इन्हों अतुलित बल दो, इस तरह ही धर्म का संचार करते रहन।